दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट वीक में एक शेर मतलब मादर और उसके तीन बच्चे यहाँ पे दिखाई दिया था, बस यही पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक ठाक? मैं शांतनु, सेट टू गो में आप सबका स्वागत। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग सफारी के लिए निकले थे और ये सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां जाके हमको क्या क्या मिला। सिर्फ वही नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग का बेम्बू राफ्टिंग था, तो बेम्बू राफ्टिंग में हम लोग कैसे गए, कहाँ कहाँ घूमे, सब कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो देखते रहिए और कॉमेंट पे जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। होटल में नहीं गए दोस्तों, सीधा गए पेरियर नेशनल पार्क का गेट पे, क्योंकि कल मेरा बुकिंग है उधर, तो उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना था। वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ले लिया और वहीं पे हमको मिल गया दूसरा, ये जीप सफारी के लिए ये लोग रेंट पे देते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये जीप करके अभी जंगल सफारी करने। तुम्हारा नाम क्या है? My name is Shaiju. Shai? Shaiju. Shaiju. Yes. अच्छा। दोस्तों ये सफारी में हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस दो चार बर्ड्स मिला और दूर पहाड़ों में एक हाथी और कुछ बाइसन मिला। लेकिन मेरा 600 mm का लेंस भी फेल हो गया क्योंकि वो काफी दूर में था।
मैं जितना हो सके उसका फोटो वीडियो लिया। बस उसके बाद हम लोग चले आए होटल में, क्योंकि सुबह फुल डे बम्बू राफ्टिंग था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए पेरियर नेशनल पार्क के बम्बू राफ्टिंग का, जहां से बस छोड़ता है उस बस अड्डे पे। कॉफ़ी पी के आ गए, साथ में एक तो बन भी ले लिया था। और ये लोग तो फुल डे पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच भी मिलेगा, ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। और बाकी सारे गेस्ट भी आ चुका है, टूरिस्ट भी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बस भी खड़ी है। तो अभी बस पे चढ़ते हैं। तो ये है हम लोग का बस, अभी बैठ जाते हैं। यहाँ से बस का जो जर्नी होगा वो होगा 2 किलोमीटर का, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। हम लोग का बस अभी छोड़ दिया है, तो ऑन द वे हूँ, अब कहाँ पे ले जाता है ये देखते हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग जहाँ से हम लोग का राफ्टिंग शुरू होगा। ये देखिए सामने कैफे है, यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा नीचे। अब रेडी हो गए एडवेंचर के लिए। ये देखिए लेशेस है ना, इसीलिए ये भी पहनना पड़ा। तो अभी वॉक करते हुए जाएंगे, बोट पे जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। का बम्बू राफ्टिंग अभी यहां से शुरू होता है। पहले ये नदी जो है पेरियर रिवर, इसको क्रॉस करना है। ये रिवर ही तो है ना, लेक है, लेक है वो पेरियर लेक। ओके, पता नहीं है कितना दूर जाना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा लग रहा है, सब लाइन करके हम लोग जा रहे हैं सब। It's a very, yeah. Very huge park, huge area, 925 square kilometers in total. Okay. We are only for the walk in short areas. Okay. Not more. Flowers. Very bushy, small. Yeah. Here make for the photosynthesis. Yeah. We can all post to see the flowers.
flower like inside the seeds. Some kind of bees go to inside and make the pollinating. Okay, For the seeds. Then the seeds. Again, we're cloning new tree. आने से पहले जितने भी मैंने सफारी का ट्रिप का वीडियो देखा, मैं देखता था कि हर एक बंदा जो है हाँफ रहा है, तो मुझे तब पता नहीं चला। अब मुझे मालूम पड़ा वो लोग क्यों हाँफते हैं। गिरा नहीं, उड़ रंग आ गया इस बार। अभी ब्रेकफास्ट टाइम, सब खाना खाने बैठ गया है। अभी हम लोग भी बैठेंगे अभी खाना खाने। पत्ता कहाँ से मिला आपको? लीफ। लीफ किधर से मिला? नटी गुड लीफ। ये भाई साहब तो देखिए प्लेट पे खा रहे हैं और वो लीफ पे खा रहे हैं। So you are enjoying this trip? Yes. Nagraj, अभी हम लोग का खाना निकालो। तुम्हारा तो कम से कम 1 किलो तो आज घट ही गया है। नागराज पायलट बन गया। पायलट मैं दोनों चला रहे।
अभी जहाँ पे लेके आया, देखिए उस पार से इस पार में आया और फिर जा रहे इधर सामने में जो घर दिख रहा है, यहाँ से सबको लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। वो लाइफ जैकेट यहाँ से ही देगा। और कुछ देगा नागराज? बस चाय पानी मिलेगा भाई? नहीं, नहीं मिलेगा। चलिए फिर देखो मैंने क्या लिया है। सुखाने के लिए दिया है, इसका चिली हड्डी होगा, चाइनीज आइटम। फिर हम लोगों ने वहां से लाइफ जैकेट पहन के दूसरी जगह में गया, क्योंकि वो जगह का पानी बाकी जगहों से काफी डीप था, इसीलिए हम लोगों को लाइफ जैकेट पहनना पड़ा। तो वहां जाके हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं दिखा और क्या क्या ये सफरी में मिला, चलिए आप लोगों को वहीं थोड़ा दिखाते हैं। जैसे कि ये पेड़ देखिए, यहाँ पे जो निशान है, गाइड बोल रहा था ये शेर की निशान है। दोस्तों ये सफारी में हम लोगों को मिला था हाथी, जंगली सुअर, बाइसन और ईगल, और कुछ छोटा मोटा बर्ड्स दिखा था, लेकिन उसका फोटो नहीं ले पाया। तो आप लोगों के लिए है वो सबका वीडियो। आप लोगों में से कोई अगर पेरियर घूमना चाहते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेरियर नेशनल पार्क का वेबसाइट का एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ। वहाँ जाके आप अपना मनपसंद का पैकेज ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ये जो फुल डे बैम्बू राफ्टिंग है, राफ्टिंग बहुत ही कम, चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा दोस्तों। पूरा दिन में आपको कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप सोच के आइएगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट पे जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।